सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जनजाति क्षेत्र में फैल रहा महादेव ऐप का ऑनलाइन गेमिंग सट्टा में एक आरोपी गिरफ्तार। सलूबर जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई कि सलूबर के आसपास क्षेत्र में महादेव ऐप की सट्टा जाल फैल रहा है, जिसमें सैकड़ों युवाओं को जाल में फंसा रखा है। इस पर जिला विशेष टीम को पुलिस निरीक्षक वीना लॉर्ड के नेतृत्व में लगाया गया। विशेष टीम द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर सलूबर तथा उदयपुर क्षेत्र में महादेव ऐप फ्रेंचाइज चलाने वाले जुगल पटेल पुत्र जयप्रकाश उम्र 24 वर्ष निवासी पटेल नगर सलूबर को गिरफ्तार किया गया तथा उससे मोबाइल एवं सॉफ्टवेयर जब्त किए। आरोपी जुगल पटेल स्वयं 19 जनवरी 2023 के सलूबर के एक व्यक्ति की मार्फत दुबई गया, जहां लगभग 3 माह महादेव ऐप का काम किया तथा पूरा प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उसके साथ 2 और लड़के भी दुबई गए थे, जिन्होंने भी जुगल के साथ शारजा आबुधामी में महादेव ऐप कॉल सेंटर से प्रशिक्षण पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात तीनों व्यक्ति सलूबर आए तथा महादेव ऐप की सलूबर एवं उदयपुर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी के कॉल सेंटर पर कार्य किया। उसके साथ लगभग 15 लड़के कॉल सेंटर पर काम करते थे। उस दौरान स्वने जुगल ने अपनी मो के नाम का बैंक खाता खुलवा कर महादेव ऐप दुबई के संपर्कों को खाता संख्या उपलब्ध करवाई। खाते के 40 दिन में लेन देन से ज्ञात आया है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इसी प्रकार जुगल ने अपने एक साथी से बैंक खाता संख्या लेकर दुबई के संपर्कों को उपलब्ध करवाया। जब विशेष टीम ने जुगल को हिरासत में लिया, जब जुगल का दुबई के व्यक्ति से लाइव सट्टा का कराबोर चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए आजकल ये अपराधी कहीं जोगनिया तो कहीं लोटस तो कहीं महादेव ऐप के नाम से नेटवर्क चलाते हैं, लेकिन सभी एक ही महादेव ऐप का हिस्सा हैं। इस तरह सलूबर एवं उदयपुर क्षेत्र में एक महिला व कुछ पुरुषों को चिन्हित किया गया, जो सीधे दुबई आते जाते हैं और महादेव ऐप के मालिकों से संपर्क में हैं। इस संपूर्ण नेटवर्क की जांच अनुसंधान किया जाकर पूरे नेटवर्क का जल्दी से भंडाफोड़ किया जाएगा। हमने यहाँ सलूबर में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जो इंटरनेशनल महादेव ऐप का जो सट्टा है उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, और इस सूचना को हमने अच्छे से डेवलप किया तो उसमें हमने एक लड़के को अरेस्ट किया। जुगल पटेल है ये, अपने यहीं सलूबर का रहने वाला है। तो इससे पूरा नेटवर्क का पता चला कि सलूबर में कम से कम भी 60 से 70 लड़के सलूबर या इसके आसपास एरिया के इसमें काम कर रहे हैं, और कुछ इसमें अलग लेयर्स हैं। ये किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी तीसरे के लिए कर रहे हैं, और फिर यूँ करते करते अल्टीमेटली इनका लिंक महादेव ऐप सट्टा से है, जो कि इंटरनेशनली दुबई से भी ऑपरेट हो रहा है। और इसमें ये भी पता चला है कि कुछ लोग जो सलूबर के हैं और कुछ उदयपुर के हैं, जो उदयपुर में या आसपास के क्षेत्र में कॉल सेंटर जैसा चलाते हैं, जिसमें 10 से 15 लड़के काम करते हैं, उनके पास में मोबाइल नंबर्स होते हैं, और उन मोबाइल नंबर्स पे जिनको सट्टा लगाना है, इस पे बैटिंग करना है, तो इसके ऊपर वो कॉल्स आते हैं, और उस कॉल्स के आधार पे वो व्हाट्सएप पे उनको कोड देते हैं, और उस कोड के हिसाब से वो आपका लिंक खुल जाता है और फिर आप उस पे बैटिंग कर सकते हैं महादेव बैटिंग के नाम से। अब इन्होंने क्या कि इस जब पता चला कि भाई पुलिस इसमें पकड़ सकती है, इलीगल है कभी भी, तो इन्होंने एक और सिस्टम अडॉप्ट किया। इन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम कर दिया कि खुद का तो महादेव ऐप है, उसको फ्रेंचाइज दे दिया। जैसे यहाँ सलूबर के एक व्यक्ति को फ्रेंचाइज दिया, जिसने उदयपुर से उस फ्रेंचाइज को चलाया, अभी कहीं दूसरी जगह से भी चला रहे हैं, अभी एक्शन के बाद में इधर उधर भागे हुए हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या फ्रेंचाइज सिस्टम लिया 60-40 के रेशियो में, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो 40 इन फ्रेंचाइज वालों का, 60 महादेव ऐप का। अब उसमें क्या था कि जो आप इंडिविजुअल कोई व्यक्ति सट्टा लगाता है तो वो उस ऐप पे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उससे कहता है कि भी हमें सट्टा लगना है, तो वो उसको नंबर दे देता है, उस नंबर पे उनको पैसा जमा कराना पड़ता है अकाउंट नंबर में, और उनको कोड मिल जाता है, उस कोड से वो खेल सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर वो हार गए तब तो ठीक है, अगर जीत गए उनको पैसा वापस निकालना है तो फिर वो कॉन्टेक्ट करता है, एक अलग व्हाट्सएप नंबर उनको दिया जाता है, उससे फिर इनको अलग से पैसा निकालने की सुविधा दी जाती है। बाकी पैसा कैश में निकलता है, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में करके अल्टीमेटली कैश में निकाल करके हवाला के थ्रू ये पैसा बाहर जाता है। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है, क्योंकि इसमें हवाला पूरा नेटवर्क इन्होंने अपना डेवलप कर लिया है, और वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो इस संबंध में पूरी रिपोर्ट ऊपर भी एजेंसियों को भेजेंगे,
इस संबंध में वहाँ जांच करने की आवश्यकता है। आर्थिक अपराध के संबंध में ईडी और जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ देंगे। कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स हमने ली हैं तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि एक एक अकाउंट में महीने भर में दो दो करोड़, तीन तीन करोड़ के, चार चार करोड़ के ट्रांजेक्शन्स हैं। इतने बड़े लेवल पर पैसा होना और ख़ासतौर पर बैंक्स को भी पता नहीं होना और बैंक्स की जो प्रवर्तन शाखा है उनको भी एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जाना, ये भी एक संदिग्ध है। तो कहीं बैंक के कर्मचारी भी इन्वॉल्व नहीं हो, इस संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं और पूरे नेटवर्क को खोलेंगे। यहाँ के सलूम्बर की एक महिला का भी नाम आ रहा है, काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही हैं और कुछ और लोगों का भी काम नाम आया है, उन सभी पर हम जाँच कर रहे हैं।